जनवरी से केसीसी लोन वाले घोटाला पे मैं यार 45,000-35,000 निकाले रहे हूँ, तो धान बेच के मैं 20,000 पटाया हूँ, बाद में पटा हूँ मैं यार 15,000, तो 15,000 के मोला एक उठान चिट्ठी विट्ठी कुछ नहीं दिए, और वहाँ दिखाई मोला 85,000 के कर्जा, तो कौन बताइस उलाल साहब। हाँ तब मैं कहता हूँ मैं कहाँ खेल दूँ, हम और आदमी हैं 5 साल हो गए, मतलब वो हर घर में है, आँख नहीं दिखे, तो कहाँ सोची बता, तू ही मन बता बाबा हो की बात है, अतरी समस्या है। तो अभी लोन पट गए कि नहीं पटे? ये पूरा मैं पटा रही हूँ। वहाँ दिखा थे? वहाँ दिखा थे। देखने से आए हो? हाँ ओकरे से में था, मैं दोबारा आ गया। बोले पैसा पटा? हाँ बोले हैं तो अभी बोले हैं तते पटा हम काबर पटाबो बोली। हाँ बोली से परोन दिन हरे और काली बार बैंक बंद रही से आज भी बंद रही से, मैं आज भी गिरे हूँ पहुँचाऊँ के खेत में पर्चा धरे घरों हूँ। नाम बता दो कौन से गांव के, का नाम? मैं मेढ़ा रथ। का नाम? मंगेतीन। अमर जी आज किसानों के साथ डोंगरगढ़ थाने पहुँचे थे, क्या मांगा? देखिए मेढ़ा सोसाइटी में जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों का पैसा निकाल करके वहाँ के प्रबंधक कुलदीप शर्मा के द्वारा एक बड़ा गबन किया गया है। इस मामले को मेरे ही द्वारा सितंबर माह में किसान चौपाल के माध्यम से उठाया गया था और मैंने ही किसानों को एक एक किसानों को बुला करके उनकी राशि कितनी गड़बड़ हुई है इसकी जानकारी ले करके उसकी शिकायत 1 नवम्बर को हमने इसी थाने में दर्ज कराई थी, परंतु कुछ कारणों से कुछ लोगों के माध्यम से कुलदीप के साथ समझौता करवाया गया 15 दिसंबर तक का, और 16 दिसंबर मुझे पता चला, मैंने 16 दिसंबर को फिर से थाने में एप्लीकेशन देके किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। दुख का विषय यह है कि पूर्व में उस पर FIR दर्ज नहीं की गई, अगर पूर्व में FIR दर्ज की गई होती तो शायद अभी तक किसानों को पैसा लौटा दिया जाता, परंतु आज फिर से हम लोगों ने किसानों के साथ, चूँकि अब खेती किसानी के समय सामने आ रहा है और 1 महीने के अंदर किसानों को खाद और लोन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आज फिर से हम लोग आज ये 4 गांव के किसानों के साथ, 15 गांव के किसानों के साथ मैं आज थाने पहुँचा हूँ। मेरे साथ सोसाइटी के अध्यक्ष मदन भैया, दशरथ भाई, हमारे जनपद सभापति भी हैं और उस क्षेत्र के किसान लोग भी मौजूद हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आज रिपोर्ट दर्ज कराने यहाँ पर आए हैं और रिपोर्ट दर्ज करा करके FIR दर्ज होगी और उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी संपत्ति कुर्क हो और किसानों को पैसा दिया जाए। किसानों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सरकार किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है और इस सरकार में किसानों के साथ अन्याय न कभी हुआ है न कभी होगा, और मुझे आप लोग के माध्यम से बताने में कहीं प्रसन्नता है कि प्रदेश की मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी किसानों के हर सुख दुख में साथ खड़े हैं और हम लोग सब किसानों की लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी किसानों को हम लोग न्याय दिलाते रहेंगे। से KCC लोग